हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शहजाद ऑनलाइन। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से हम सब वाकिफ हैं, चाहे हमें साइंस में दिलचस्पी हो या ना हो। आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी में एक सेकुलर यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ। उसके पैदा होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि इसका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में पैदा हुआ था। इसके बावजूद उसका दिमाग इतना तेज़ था कि आज तक कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। आज 65 साल हो गए आइंस्टाइन हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस इनकी थ्योरीज़ के बगैर कमज़ोर है। यही वजह है कि आज हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि उनके दिमाग में आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया। क्या उनके दिमाग में कोई सुपर नेचुरल पावर थी? तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। नाज़रीन, आइंस्टाइन बचपन से ही गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था। अगरचे आम बच्चे की निस्बत इस अजीम साइंसदान ने देर से बोलना शुरू किया, यहाँ तक कि उसके वालदैन उसके बारे में तशवीश में मुब्तला रहने लगे कि कहीं उनका बच्चा किसी जहनी बीमारी का शिकार तो नहीं। एक रात खाने की मेज़ पर आइंस्टाइन ने पहली मरतबा जो अल्फाज बोले वो थे कि ये सूप बहुत गर्म है। अपने बच्चे को रवानी से बोलता सुनकर उसके वालदैन बहुत हैरान हुए और खुश भी हुए कि इनका बच्चा रवानी से बोल सकता है। 5वीं सालगिरह पर आइंस्टाइन के वालद ने उसे एक मकनातीसी कंपास तोहफे में दिया। तब से उसमें साइंस से दिलचस्पी पैदा हुई। उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थीं जिनके बारे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, जैसा कि आइंस्टाइन को डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक दफ़ा उनके किसी दोस्त ने उनसे टेलीफोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन टेलीफोन डायरी में अपना फ़ोन नंबर ढूंढने लगे। ये देखकर दोस्त ने हैरानी से पूछा, आप अपना खुद का फ़ोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने कहा, मैं भला ऐसी चीज़ को क्यों याद रखूँ जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मैं तो सिर्फ़ एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। 73 वर्ष की उम्र में जब आइंस्टाइन अमेरिका में था तो उसे इसराइल का सदर बनने की पेशकश की गई। इसराइल की जानब से सदारत की पेशकश को आइंस्टाइन ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि वो लोगों से मेलजोल और बातचीत को ज़्यादा पसंद नहीं करता और वो इस फन में काफ़ी कमज़ोर है। मौत से कबल आइंस्टाइन ने अपने जिस्म पर तहकीक से मना कर दिया था। दरअसल वो चाहता था कि उसके जिस्म को महफूज ना कर लिया जाए और लोग उसे देवता की तरह पूजना ना शुरू कर दें। लेकिन जब 18 अप्रैल 1955 में उसकी मौत हुई तो उस वक़्त वहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर थॉमस हार्वे को आइंस्टाइन की लाश के मुआयने के लिए कहा गया। उसने आइंस्टाइन के ख़ानदान की इजाज़त के बगैर ही उसका दिमाग रिसर्च के लिए निकाल लिया और फिर वहाँ से भाग गया। जब आइंस्टाइन के दिमाग की चोरी की खबर आम हुई तो डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर हार्वे ने कहा कि दरअसल वो आइंस्टाइन के गैर मामूली दिमाग पर रिसर्च करना चाहता है ताकि दुनिया को आइंस्टाइन के गैर मामूली दिमाग के मुतालिक मालूमात हासिल हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन ना मिलने की वजह से थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में बंद करके रख लिया। बाद में आइंस्टाइन के बेटे से इजाज़त मिलने पर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करना शुरू की। सबसे पहले उसने आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया, जिसका वज़न 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफ़ी कम था, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वज़न करीबन 1400 ग्राम होता है। इसके बाद थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को तकरीबन 240 टुकड़ों में काट दिया और इन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया ताकि वो अच्छे से देख सकें कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं था। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज़ के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए जिससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरह से जाँच हो सके। रिसर्च के दौरान ये पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले काफ़ी अलग था। दरअसल सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो सबसे पेचीदा दिमागी प्रोसेस के लिए मेन फैक्टर होता है, और साइंटिस्ट्स का कहना है कि यही वजह थी कि इनका दिमाग बहुत ही गहरा सोचता था।
जब साइंसदानों ने आइंस्टाइन के दिमाग को मज़ीद एग्जामिन करना शुरू किया तो वो बहुत हैरान रह गए कि इनके ब्रेन में रिंकल पेराइटल ऑपरकुलम मिसिंग है, जिसकी वजह से इनके ब्रेन की पेराइटल लोब का साइज़ नॉर्मल ब्रेन से 20% ज़्यादा बड़ा था। साइंसदानों का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल्स और चीज़ों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा थी और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स डेंसिटी 17% ज़्यादा थी। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन में बहुत ज़्यादा फोल्ड्स थे जो उनकी जहानत की एक बहुत बड़ी वजह थे। आइंस्टाइन का दिमाग आज भी 46 टुकड़ों की सूरत में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मटर म्यूज़ियम में प्रिजर्व किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।